हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आपने देखा होगा कि रिसेंटली HDFC ने अपने कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस करे हैं, जिसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कार्ड्स पर। तो ऑन पॉपुलर डिमांड हम HDFC के वन ऑफ द पॉपुलर कार्ड HDFC रिगेलिया कार्ड का रिव्यू करेंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी से। सो इस कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 2500 रुपये प्लस GST, और अगर आपके पिछले साल का खर्चा 3 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। और अगर इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो ज्वाइनिंग फी या एनुअल फी पे करने पर आपको वेलकम बेनिफिट में 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रिन्यूअल बेनिफिट्स में भी 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपको ये कार्ड एज अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिला है तो आपको कोई भी वेलकम या रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलते हैं। और अगर हम रिकवरी की बात करें तो एक पॉइंट की वैल्यू आपको मैक्सिमम 50 पैसा मिलती है, तो आपकी ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी इन बेनिफिट से रिकवर नहीं होती है। बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की, तो मेजर नॉन स्पेंड बेनिफिट एक ही है, दैट इज लाउंज एक्सेस। तो आपको इंडियन एयरपोर्ट टर्मिनल पर 12 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलते हैं एक साल में, और आपको ओवरसीज एयरपोर्ट पर भी लाउंज एक्सेस मिलते हैं थ्रू प्रायोरिटी पास। तो आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं एक साल में। ध्यान रखें कि अनलाइक काफी कार्ड्स, आपको प्रायोरिटी पास के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है जब आप कार्ड एक्टिवेट होने के बाद 4 ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। तो आप प्रायोरिटी पास अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक साल में मैक्सिमम 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ही मिलते हैं। तो ये थे इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। हमारे हिसाब से इस कार्ड पर इसकी फी के हिसाब से एटलीस्ट डाइनिंग और मूवी बेनिफिट्स होने चाहिए थे। लास्ट ईयर रिगेलिया के साथ डाइन आउट पासपोर्ट की मेंबरशिप चल रही थी, जो कि अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अब नॉन स्पेंड बेस्ड के बाद स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो शुरू करते हैं बेस रिवॉर्ड रेट से। तो आपको हर 150 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। फ्यूल, EMI, कैश विड्रॉल्स, वॉलेट लोड पर आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली HDFC ने अनाउंस कर दिया है कि रेंट पेमेंट्स पर कोई भी पॉइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे 1 जनवरी 2023 से। और एक और पॉइंट नोट करें कि आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं एक दिन में इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस पर। बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद अब एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो आप इस कार्ड से HDFC बैंक के स्मार्ट वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू सिलेक्टेड मर्चेंट्स या ब्रांड्स या कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग्स करते हैं या मेक माई ट्रिप पर होटल बुकिंग करते हैं या IGB.com पर शॉप करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 150 रुपए के खर्च पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इंस्टेंट वाउचर्स, फ्लाइट्स, इमेजिन ट्रेसर और रेड बस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 150 रुपए के खर्च पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। IRCTC और Flipkart के स्पेंस पर आप 3x यानी 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं हर 150 रुपए के खर्च पर। और ये जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, यानी जो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स से ऊपर के रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, वो आपको 90 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाते हैं। प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप स्मार्ट बाय के थ्रू अर्न करते हैं उन पर कैपिंग भी है। आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 4000 एक्सेलरेटेड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। एंड में हम आपको दोबारा बताएंगे कि इन एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के लिए आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू इन प्लेटफॉर्म पर जाकर शॉपिंग करेंगे तभी आपको ये एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लिपकार्ट पर डायरेक्टली शॉपिंग कर ली है तो आपको हर 150 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 12 पॉइंट्स के लिए आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करनी होगी। अब एक्सेलरेटेड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट्स की। तो अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये थे इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न करे हैं आप उन्हें कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 साल की होती है, और जब भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 99 रुपए प्लस GST की रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या रिडेम्पशन ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक यानी
स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम कराते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 20 पैसा। और जो अभी रीसेंट चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग 1 फरवरी 2023 से आप मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं कैशबैक में एक कैलेंडर मंथ में। और अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट्स या कैटलॉग के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 35 पैसे। यहाँ भी एक चेंज आ रहा है कि 1 फरवरी 2023 से आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स एंड वाउचर्स पर उसकी जो वैल्यू है उस पर 70% आप अपने पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। अभी कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन से वाउचर्स हैं यह भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट्स एंड होटल के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, या आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 50 पैसा। बट जो भी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स की वैल्यू होगी वो आपको 70% ही आप अपने पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से ही पे करनी होगी। यहाँ भी एक सिमिलर चेंज आया है कि आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स के अगेंस्ट। लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करते हैं तो आप इन पॉइंट्स को एमआईएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 0.5 माइल्स। आप इन पॉइंट्स को क्लब विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिस्प फ्लायर और इंटर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिडेम्पशन ऑप्शन के बाद हम बात करते हैं कि आप इस कार्ड पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी अजम्पशन ये है कि एक इंसान बेस्ट केस सिनेरियो में भी 3-4 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं करेगा इस कार्ड पर, क्योंकि अगर कोई इससे ऊपर का खर्चा कर सकता है तो वो आइडियली इस कार्ड पर तो खर्चा नहीं करेगा। आइडियली इससे बेटर प्रीमियम कार्ड्स होने चाहिए। तो इस अजम्पशन के साथ चलिए कैलकुलेट करते हैं कि एक इंसान मैक्सिमम कितना रिटर्न अर्न कर सकता है इस कार्ड से। तो सपोज एक इंसान एक महीने में 35,000 रुपये का खर्चा करता है इस कार्ड से, तो रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि इंसान काफ़ी ट्रैवल करता है और स्मार्ट बाइक के थ्रू फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स करता है और भी कुछ स्मार्ट बाइक के थ्रू स्पेंड करता होगा। तो मंथली स्पेंड का ब्रेकडाउन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन 7,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है फ्लाइट्स पर एंड 8,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है होटल बुकिंग्स पर। इसके अलावा वो अराउंड 5,000 रुपए का खर्चा कर रहा है फ्लिपकार्ट पर और 5,000 रुपीज का खर्चा कर रहा है इंस्टेंट वाउचर्स पर स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बाकी के 10,000 रुपए नॉन स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर स्पेंड कर रहा है। तो इस पर्सन को फ्लाइट्स पर 933 पॉइंट्स मिलेंगे एंड होटल पर 2,133 पॉइंट्स मिलेंगे, फ्लिपकार्ट पर 400 पॉइंट्स एंड इंस्टेंट वाउचर पर अराउंड 667 पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी नॉन स्मार्ट बाय के स्पेंड्स पर अराउंड 267 पॉइंट्स मिलेंगे। हमने एज्यूम किया है कि ये पर्सन सभी स्मार्ट बाय की ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन कर रहा है जिससे कि डेली कैप हिट नहीं हो रही है। होटल में भी पूरे 2,133 पॉइंट्स मिल जाएंगे एज 2,133 पॉइंट्स में से 233 पॉइंट्स बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। तो ये पर्सन एक मंथ में टोटल अराउंड 4,400 पॉइंट्स एक्युमुलेट कर रहा है 35,000 रुपए के खर्च पर, यानी कि 52,800 पॉइंट्स 4,20,000 रुपए के खर्च पर एक साल में। अगर ये पर्सन इन पॉइंट्स से स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट और होटल बुक करता है तो पहली बात तो ये एक बार में ये स्पेंड नहीं कर पाएगा, बट सपोज ये दो बार में अगर ये स्पेंड करता है तो इसको 26,400 का रिटर्न मिलेगा, यानी उसे अराउंड 6.3% का रिटर्न मिलेगा। अब अगर हम ऐसे एग्जांपल लें जहां एक इंसान ट्रैवल पर खर्चा ही नहीं करता और इस इंसान का टोटल मंथली स्पेंड भाई 35,000 रुपए का है, जिसमें से ये 10,000 रुपए का खर्चा करता है स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लिपकार्ट पर, बाकी 25,000 रुपए ये इंसान नॉन स्मार्ट बाय पर स्पेंड करता है, तो इस इंसान को 10,000 के स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लिपकार्ट के स्पेंड पर 800 पॉइंट्स मिलते हैं और बाकी के 25,000 स्पेंड से इसको मिलेंगे 667 पॉइंट्स। तो टोटल एक मंथ में ये पर्सन 1,467 पॉइंट्स अर्न करता है, जिसका मतलब 17,604 पॉइंट्स वन ईयर में 4,20,000 रुपीज के स्पेंस पर। अब सपोज इस इंसान को कैशबैक के फॉर्म में रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसकी वैल्यू होगी 3,520 रुपीज, जिससे रिटर्न बना अराउंड 0.83% का। वेल रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस कार्ड से आप 1.5 से 2.5% तक का रिटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी एवरेज है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल हमें ये कार्ड कैसा लगा और जो रीसेंट चेंजेस आए हैं उससे क्या मेजर इंपैक्ट पड़ा है इस कार्ड पर कि नहीं। तो हमें रिगेलिया कार्ड नहीं पसंद, उसके कुछ रीजंस हैं जैसे कि जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फीस से जो इसके वेलकम बेनिफिट्स और रिन्यूअल बेनिफिट्स हैं वो रिकवर नहीं होती है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में सिर्फ लाउंज एक्सेस ही है और हमारे हिसाब से अगर इसमें डाइनिंग और मूवी बेनिफिट्स होते तो ये काफी अच्छा रहता। अब जहां तक इस कार्ड से रिटर्न की बात है तो आपको रेगेलिया कार्ड से
कम फी वाले कार्ड में बेटर रिटर्न मिल जाता है, जैसे कि HDFC मिलेनिया, एक्सेस एस कार्ड, SBI कैशबैक कार्ड एक्सेट्रा। अब अगर हम HDFC ने जो रिसेंट चेंजेस करे हैं उसका इम्पैक्ट देखें तो मेजर इम्पैक्ट रेंट पेमेंट्स पर पॉइंट्स के डिसकंटिन्यूएशन का ही है। बाकी जहां तक रिवॉर्ड पॉइंट्स की अर्निंग और रिडेम्पशन के कैप की बात की जाए तो वो तभी इफेक्ट करेगा अगर आप स्मार्ट बाय पर काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो। और अब हमारे हिसाब से क्योंकि रिवॉर्ड रिडेम्पशन पर भी कैपिंग है तो रिवॉर्ड रिडेम्पशन की फी तो नहीं होनी चाहिए। और ये कार्ड सिर्फ ऐसे लोग जिनको ट्रैवल के फॉर्म में रिटर्न चाहिए और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू और वो एक दिन इन्फिनिया कार्ड में अपग्रेड कराना चाहते हैं, वो लोग इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं, बाकी लोग अवॉइड करें इस कार्ड को। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 2.515 स्टार्स। तो यहाँ खत्म होती है हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।